नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कतर से रिलेटेड। जी हाँ, बिल्कुल हेडिंग आपने सही देखी है, कतर में धर्म बदलो सैलरी मिलेगी 1.5 लाख रुपए महीना। यह है परशुराम जो मोहम्मद यूसुफ बन गया, इसके पीछे पूरी कहानी क्या है, क्या ये सिचुएशन हुई, क्या रियल में ऐसा हो रहा है कतर में, और क्या फीफा का वर्ल्ड कप हुआ था उस पर भी कतर पर आरोप लगे थे लोगों का धर्मांतरण करवाने में कि भैया आप दूसरे धर्म से हमारे मुस्लिम धर्म में आ जाओ। तो इससे रिलेटेड सच्चाई पर हम बात करेंगे। कतर के कुछ धर्मगुरु भी हैं जिन्होंने साफ हिंदुओं के बारे में क्या बोला है, डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा रोज इसी तरीके के नई जानकारी लेने के लिए। सवाल अगर आपका होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर सके। तो भाई साहब आपको मैं बता दूं, ये है जी परशुराम। अब ये परशुराम मेरे सीकर राजस्थान सीकर का रहने वाला है जो कतर में गया था जॉब के लिए। अच्छी खासी इनकी तनख्वाह भी थी, इन्होंने बताया कि मेरी तनख्वाह 1.5 लाख रुपए महीना थी, अच्छे पद पे था। लेकिन इन भाई साहब ने इन्होंने काफी जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं या कंपनी के जो भी ओनर होंगे, इन्होंने बोला कि अच्छी तनख्वाह लेने के लिए आपको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, जो बाद में दिख रहा है मोहम्मद यूसुफ बन गया। ये बंदा यही है जो हिंदू से मुस्लिम इसको बनाया गया कतर में, और कतर से ये बंदा वापस आया इंडिया में। तो इसके बाद में इसकी क्या स्टोरी हुई बताते हैं। आप देख सकते हैं इनका एक बयान आया था, कतर से विवेक कमाने के लिए गया था, धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। हालांकि विवेक ने इंडिया लौटने के बाद बुधवार को लोसल संघ लिया, ये मेरे से थोड़ा दूर है, वहाँ पे ओसराज महाराज ने उनको वापस अपने सनातन धर्म से जोड़ दिया। जी हाँ, इनका कहना था कि पीड़ित के अनुसार इसके खिलाफ ये था कि इनको ये बोला गया कि इनकी देखो अगर कंपनी में यहाँ इंडिया में इन्होंने आवेदन किया, जॉब इनका लग भी गया था, ये बंदा कतर चला गया, कंपनी में 1.5 लाख रुपए की सैलरी करने लगा था, लेकिन इसके बाद में कतर में ये कहा गया यदि आपको सीनियर लेवल की नौकरी करनी है तो पहले आपको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। अब ये बंदा भाई परशुराम था, वो प्रेशर में था, क्योंकि जॉब तो सबको अच्छी लगती है, प्रेशर में आने पर मजबूरन इसने इस्लाम धर्म को कबूल करना पड़ा, और उसके बाद परशुराम से नाम बदलकर मोहम्मद यूसुफ इन्होंने कर लिया। और जब तक वहां रहा मोहम्मद यूसुफ बना रहा, इसके बाद वापस इंडिया लौटा तो उसने अपना हिंदू धर्म अपनाने का फैसला लिया, और उसके बाद में वापस इसको हिंदू धर्म में डाला गया। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, और ये इस बात की सच्चाई देखिए, आप बहुत सारे लोग नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी सच्चाई मैं बताता हूं कि रियल में ये सच है क्या बात। ये है भाई साहब कतर के मौलाना धर्मगुरु जिसको बोल सकते हैं, ये देख कतर प्रोफेसर हैं ये, कतर में प्रोफेसर ने गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाने की बात कही, किस वजह से हो रही है निंदा। कतर में एक मुस्लिम प्रोफेसर ने धर्म परिवर्तन को लेकर विवादित बयान दिया, जो मुस्लिम धर्म नहीं अपनाते हैं उनको जजिया कर देना पड़ेगा। ये प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं, इस्लाम के प्रचारक हैं, इन्होंने अपने बयान में कतर में ये बात बोली है कि जो कतर में मुस्लिम धर्म के अलावा जो लोग हैं वो अगर धर्म नहीं अपनाते हैं तो उनको जजिया कर देना पड़ेगा। अब जजिया कर क्या होता है मैं बता दूं, जजिया कर आज से इंडिया में जब राजा महाराजाओं का टाइम था, मुस्लिम शासक जहां पे मुस्लिम शासक हुआ करते थे उन्होंने जजिया कर लगा दिया था। जजिया कर का मतलब आजकल के लेवल में आपने देखा होगा गुंडे धमकी देते हैं 1 करोड़ रुपए भिजवा देना अगर जान से नहीं मरना है तो, समझ गए। ये है एक तरीके से जजिया कर, यानी इन लोगों से अगर आपको सुरक्षा लेनी है तो आपको इनको बदले में इनको टैक्स देना पड़ेगा, इनको भुगतान करना पड़ेगा। जी बिल्कुल ये सत्य बात है। और देखिए कतर की आलोचना हुई थी 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था ना, वहां उस दौरान बाहर से आए लोगों को इस्लाम में परिवर्तन करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे कई तरीकों की कतर की काफी आलोचना भी की गई। कतर की राजधानी दोहा में कटारा कल्चर विलेज मस्जिद में गैर मुस्लिम लोगों को धर्मांतरण के लिए आकर्षण का केंद्र बनाया गया, और इस्लाम धर्म की कई किताबें भी उनकी दी गई कि हमारा धर्म सबसे अच्छा है, इनको आप पढ़ो, उनको फॉलो करो और इस धर्म को अपनाओ। यह बिल्कुल राइट बात, आप गूगल पर जाओगे तो सब कुछ आपको जानकारी मिलेगी। हमारे जो विवादित हैं जो जाकिर नाइक है उसको भी वहां पर आमंत्रण किया गया था, इस ये मैटर तब भी उछला था, कई लोगों ने धर्म परिवर्तन किया भी था, न्यूज भी आई थी, कतर में इसकी क्रिकरी भी हुई थी, काफी देशों ने इसकी आलोचना भी की थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सत्य है, ऐसा कुछ हुआ है। अब ये जो परशुराम कतर में कमाने के लिए गया था ऐसे तो नहीं हुआ, इंडिया के करोड़ों लोग रहते हैं, ऐसा केस आज तक सोशल मीडिया में पहली बार देखने को मिला है कि कतर में कि भैया जॉब अगर करना है इसी सैलरी में सीनियर पद पे रहना है तो आपको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपके मन में क्या सवाल हैं आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा, क्या आपके साथ भी कभी किसी ने ऐसा बोला है कमेंट करके बताइएगा ताकि उस टॉपिक पर रिसर्च किया जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद जय।